वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके चैते चैनल चैन गढ़ पर। मैं अमन चौधरी। तो आज हम फिर से नए पांच वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने डेली कम्युनिकेशन स्किल में, सेंटेंसेस में और भी कई जगह। साथ में आज हम पांच जो है प्रोवर्ब करने की भी कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन इसका जब आप सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे तो ये आपके सेंटेंस पे चार चांद लगा देगा। बिलीव इन मी। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वर्ड। सो पहला वर्ड कौन सा है हम लोगों का? पहला वर्ड है नैरो। क्या वर्ड है? नैरो। देखिए, नैरो का मतलब दो तरीके से लिया जाता है। नैरो का मतलब एक होता है पतला, और एक होता है हम लोग का छोटा के सेंस में, जो बुद्धि के सेंस में लेते हैं, यानी कि जो लोग डेवलप नहीं, कहते हैं हम लोग नैरो माइंडसेट है उसका, यानी छोटी बुद्धि है उसकी, यानी कि वो ट्रेडिशनली सोचता है, यानी उसे वो जो नई चीज को वो ऑप्ट नहीं करता, अपनाना नहीं चाहता है, तो उसे हम नैरो के सेंस में लेते हैं। तो उस सेंस में मैंने इसको लिया है नैरो। क्या सेंस लिया है नैरो? जो इसका पहला अपोजिट है वो इसके साइज के केस में है वाइड, यानी कि जब हम साइज केस में करते हैं, यानी नैरो मतलब पतला और वाइड मतलब चौड़ा। ठीक है जी, ब्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा। लेकिन ब्रॉड माइंडेड इसके आगे मैंने जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई बहुत अधिक सोचने वाली। क्या है? एंटोनिम्स है। क्या है ये? एंटोनिम्स है। ये ए एंटोनिम्स एस सिनोनिम, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सो वाइड, वाइड मतलब क्या होता है? चौड़ा। ब्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा। ब्रॉड माइंडेड लिख दिया, यानी कि जो है चीजों को अडॉप्ट करने वाला, उसकी छोटी सोच नहीं है, वो अच्छा सोचता है, वो ओपन माइंडेड है। यहां पर मैं ओपन माइंडेड के भी साथ में लिख सकता हूं इसको। ठीक है, चलिए। नाउ इसका सिनोनिम क्या होगा? क्रैम्प्ड होगा, रेस्ट्रिक्टेड, यानी अपने दायरे में ही रहना चाहता है, डेफिनेटली रहना चाहता है, कुछ इसका बाहर नहीं चाहता है, वह फिर से दिया हुआ लिमिटेड सोच रखना चाहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में यूज करेंगे दे हैव नैरो माइंडसेट। उनका क्या है भाई? कैसा माइंडसेट है? नैरो माइंडसेट है। तो भैया उनको समझना कोई जो है मुश्किल काम है। नेक्स्ट वर्ड इज नेस्टी। दूसरा वर्ड क्या है? नेस्टी। नेस्टी मतलब क्या होता है? मतलब होता है गंदा। क्या मतलब होता है? गंदा, भद्दा, बेकार कह सकते हैं आप इसका। लेकिन अपोजिट क्या होगा? डिलाइटफुल, यानी कि बहुत अच्छा। प्लेजेंट यानी कि सुख देने वाला, प्लेजेंट देने वाला। एग्रीडेबल, अग्रीएबल यानी कि आप सहमत हो जाएंगे इस चीज को देखकर, यानी कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिनोनिम क्या होगा इसका? ऑफुल, अजीब है, गंदा सा है, डर्टी है, गंदा है, डिस्गस्टिंग है। ठीक है, ऑफेंसिव है, दंडनीय है। ठीक है जी, तो दंडनीय क्या होता है? जब आप कोई गंदा काम करते तभी आपको क्या मिलता है? ऑफेंस मिलता है, दंड मिलता है, तो उसका यूज किया गया है। नाउ इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? दैट द कॉफी हैज नेस्टी टेस्ट। जो कॉफी का जो था वो क्या टेस्ट था? गंदा टेस्ट था, गंदी था, उसका टेस्ट आ रहा था। नेस्ट इज नीडी। नीडी का क्या मतलब होता है? नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद। क्या मतलब होता है? जरूरतमंद। एक होता है नीड, एक क्या होता है? नीड। देखिए यहां पर मैंने वाई लगा दिया, तो एक तरह से आपका देखिए ये नीड है। तो नीड क्या है? एक हम लोगों का नीड क्या है? ये है हम लोगों का किसके वर्ड पड़ता है? ये हम लोगों का इतने से मेन वर्ब की तरह, देखिए ये क्या है? इतने से मेन वर्ब की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? इतने से मेन वर्ब। जब मैंने मॉडल वर्ब कराया था तो मैंने उसमें बताया हुआ है इसे। ठीक है, वर्ब के पार्ट को आप जाके मैं देख सकते हैं। तो नीड है, ये क्या है? नीड का क्या मतलब होता है? जरूरी। लेकिन नीड का क्या मतलब होता है? जरूरतमंद, जिसको जरूरी होता है। सो अब जिसको जरूरत नहीं होगा, यानी कौन होगा? वो अमीर होगा, यानी कि वेल्दी होगा, अफ्लुएंट होगा, बहुत पैसा होगा उसके पास में, रिच होगा। ठीक है जी। नाउ अगर गरीब होगा, डेप्रिवाइड, पैसों की कमी होगी, तो वो क्या होगा? डेप्रिवाइड होगा। ठीक है, इम्पोवराइज होगा। तो ये क्या है सारे? इसके सिनोनिम है। किसके? डेप्रिविड और इम्पर रिस्ट जो है, इसके क्या है? सिनोनिम में काउंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा ये। चलिए सेंटेंस में, तो सेंटेंस देख के याद रहेगा आपको, सेंटेंस में यूज करके दिखाया आपको। आई एम वेरी अनसिक्योर, मैं क्या हूं? बहुत अनसिक्योर हूं, एंड नीडी हूं, बहुत जरूरतमंद हूं इस इन दिनों, नाउ आवर डेज, आजकल। ठीक है जी, तो ये जो सेंटेंस है आप इस तरह यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस इज न्यूसेंस। इसको नॉनसेंस भी बोलते हैं, नॉनसेंस भी बोलते हैं इसको कई बार, बट द थिंग इज नॉनसेंस नहीं बोलेंगे, इसको न्यूसेंस बोलते हैं। राइट, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस मतलब होता है आपका बाधा। क्या मतलब होता है? इससे क्या मतलब बोलता हूं मैं इसको? न्यूसेंस मतलब बाधा। क्या मतलब होता है इसका? बाधा मतलब होता है। क्या होता है? बाधा। राइट, तो अब बाधा क्या है? न्यूसेंस। सो अगर बाधा नहीं होगा, यानी कि आपको एडवांटेज मिला है, आपको लाभ मिला है, आप कुछ भी कर सकते हैं, एडवांटेजेस हैं, न्यूसेंस। नाउ कन्वीनियंस, ये आपके सुविधाजनक बात है आपके लिए। क्या है? कन्वीनियंस है। देखिए, याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता, और सेंटेंस तरह यूज करेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, बार बार उसको यूज करते रहेंगे तो अपने आप ही दिमाग में रहेगा। लेकिन आप
कैसे याद करें, किस ट्रिक से याद करें, कैसे, तो ट्रिक अपने आप बना सकते हैं, बहुत आसान से बन जाएगा और इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है जी, न्यूसेंस। तो न्यूसेंस कैसे याद करेंगे, भाई मैंने जब न्यू बाइक ली तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ और मेरे लिए वो बाधा का कारण बन गया, तो मैंने इस तरीके से ट्रिक बना लिया न्यूसेंस का। आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है, ऑब्स्टिकल है, क्या है ये, ऑब्स्टिकल है, हैंडीकैप है यानी बाधा है, तरीका ऑब्स्ट्रक्शन है, रोड़ा है किसी तरीके का, ठीक है, हाइड्रेन है, तो ये सारे क्या है, इसके एंटोनियम्स में काउंट, जो सिनोनिम में काउंट होते हैं। नीचे वाला सिनोनिम है, ऊपर वाला एंटोनियम है। सेंटेंस में कैसे यूज किया मैंने, आई नो इट इज अ, यहां पे लिखता हूं मैं, ये एक कोमा का सेंस रह गया यहां पर, कोमा लीजिएगा यहां पर, ठीक है, आई नो इट इज अ नॉनसेंस फॉर यू, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए क्या है, एक बाधा है, फॉर यू टू कैरी इट, इसको कैरी करने के लिए, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर टू मी, लेकिन ये क्या है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अगला चलते हैं, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है कि भैया क्या जरूरतमंद, जरूरी होती है, पालन करना होता है, जरूरी है, इसका मतलब हम ले सकते हैं जरूरी या फिर ऑब्लिगेटरी, इसको क्या करना है, ऑब्लिगेट करना है, पालन करना है इस चीज का, तो इस चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं, या जरूरी के सेंस में यूज करते हैं, जरूरी किसमें, जरूरतमंद के लिए जरूरी था हम लोग का जरूरतमंद, और यह है जरूरी, दोनों अलग अलग है। ठीक है जी, ऑब्लिगेटरी, तो इसका क्या हो जाएगा, एसेंशियल, क्या है कोई चीज, क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, एसेंशियल तो है ही, साथ साथ में क्या है, रिक्वायर्ड भी है, क्या है, रिक्वायर्ड है, जरूरी है, तो मतलब समझ गए होंगे आप लोग इसका सिनोनिम देख करके। नाउ ऑब्लिगेटरी यानी कि वॉलंटरी, अच्छा अब जरूरी नहीं है, यानी कि क्या है, वॉलंटरी है, करना करो, नहीं करना मत करो, तुम्हारी मर्जी है, वॉलंटरी है, वॉलंटरी में थोड़ा फोर्स करते हैं आपको, फ्री है आप भाई, कोई जरूरत नहीं, अननेसेसरी है, इसका अपोजिट कर दिया, क्या लगा के, अननेसेसरी का, नेसेसरी का अननेसेसरी, याद रहेगा, ऑप्शनल है। ठीक है भाई, आपके पास में चॉइस मिला हुआ है, आप करें या ना करें, कोई रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायर, कोई जरूरी है नहीं, कोई बाधा आपके पास में, कोई जो ऐसा कहेगा नहीं कि भाई आपको करना ही है ना। अब आज तो आज का केस आप इसको देखते होंगे, जानते ही होंगे, आफ्टर लुकिंग लखनऊ केस के बाद देखने के बाद में क्या लगा हमें, वी ऑब्लिगेटेड सच लॉ, हम लोग को ऐसी लॉ की जरूरत है विच कैन प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट कर सके किसकी, मैन राइट्स की, मैन की अधिकारों की भी क्या कर सके, रक्षा कर सके, जो ऑटो केस जो हुआ था, ध्यान होगा आजकल बहुत चल रहा है मीडिया में और सोशल मीडिया पे, ठीक है, मीडिया वाला भी काफी आवाज उठाएं, सही बात भी है। सो ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, जब आप जागरूक नहीं होते, क्या नहीं होते, आप जागरूक नहीं होते, अवेयर नहीं होते किसी चीज को लेकर के, तो सिनोनिम क्या होगा, अनअवेयर, जो मैं कि जब ऑब्लिगेशन क्या हो, यानी कि जो आप जो यानी कि अवेयर नहीं होते हैं, तो क्या होता है, ऑब्लिगेशन, तो क्या हो गया, सिनोनिम क्या हो गया, अनअवेयर, इग्नोरेंट है आप, ध्यान नहीं दे रहे आप, इनअटेंटिव है, जागरूक नहीं थे उसके विषय में। और अगर हम इसके अटेंटनेस बात करें, तो यानी कि आप जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, अटेंटिव हैं, और इसके क्या है, सारे ये एंटोनियम है। ठीक है जी, बात सुनने आप लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोवर्ब, क्या है हम लोगों का, प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब एक ऐसी चीज है, जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो आपके सेंटेंस में क्या होता है, चेरी ऑन द केक हो जाता है, यानी कि क्या होता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, जब वो ऐसे कि आप सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, चार चांद जाता है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस तरह से प्रोवर्ब के तौर पे यूज करते हैं और हम इसको यूज करते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अंत भला सब भला, इसका मतलब क्या होगा, अंत भला तो सब भला, इसका यूज कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ हैज मेक्स, अब देखिए कुछ वर्ड्स जो है आपके, कुछ प्रोवर्ब्स मैं आपको, देखिए मैंने आज लिए हैं कितने वर्ड, मैं पांच वर्ड में ज्यादा नहीं लेता, मैं पांच लेता हूं, देखिए दो दो चार एक पांच, नीचे पांच है, पांच में से क्या होगा कि आप लोगों को कुछ मैं होम में भी दे सकता हूं, ठीक है जी, जिसको आपको क्या बनाना है, सेंटेंस तौर पे, जिसके मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिखना है, सेंटेंस तौर पे आप सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है ना, ये वाला हो गया, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यहां पे क्या दिया हुआ है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब क्या हुआ, जल्दी का काम शैतान का घर, बोलते हैं ना भैया, तो जल्दी काम नहीं करना है, आराम से करना है, शैतान का घर नहीं बनाना है। बेटर टूडे देन टूमोरो, क्या लिखा हुआ है, बेटर डे देन टूमोरो, मतलब कि भैया आज करे कल करे सो आज कर, ठीक है, वो कहना सुना, बहुत बार सुना होगा आपने, कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, ठीक है, बहुत बार सुना होगा, तो यानी कि कल करे सो आज कर, सो बेटर टूडे देन टूमोरो, तो वो प्रभाव क्या होगा, बेटर देन टूमोरो। नाउ अगला क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो क्या है, सर्वोत्तम पॉलिसी है, नीति है, इसको हमें ध्यान रखना है। ग्रेट क्राई लिटिल वुल, क्या लिखा हुआ है, ग्रेट क्राई लिटिल वुल, यानी कि मतलब क्या, ये बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना, तो क्या है इसका, ग्रेट क्राई लिटिल वुल,
ठीक है जी, इसको आप सेंटेंस में यूज करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। धीरे धीरे हम इसमें चीजें ऐड कर रहे हैं, काफी कम समय लेता हूं, हो सकता है 10 मिनट से अराउंड 10-11 मिनट की वीडियो बनती है जिसमें कि आपको सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि ये है काम का वीडियो। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, देखें जरूर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया, थोड़े से भी नॉलेज को बढ़ाया है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में, यानी कि इंग्लिश की क्लास जो हमारी होगी वो होगी आज, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे बहुत सारी चीजें, जैसे कि इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ठीक है, और साथ में कैपिटलाइजेशन। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, आज सुबह 9 बजे, जिसमें कि हम सारी चीजों को रखेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।